आराम आराम से जाएगा नहीं, कम हुआ ना ऐसा तो रिश्वत दे रहे हैं नहीं या फीस कम कर दिया ऐसा है क्या? कूलर नहीं कर पा रहे, दर्द इतना ज्यादा अनबेरेबल है। तो और इस वीडियो में किसी चीज को स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं कम हुआ है वीडियो में बताओ, दर्द काफी कम हुआ है। तो गाइस आज का ये स्पेशल वीडियो बहुत कॉमन प्रॉब्लम पे है, शिंग पेन पे। तो शिंग पेन की समस्या लगभग हर एक को होती है जो कोई नया दौड़ने वाला है, जैसे कि अगर उसने रनिंग नया स्टार्ट करी है तो शिंग पेन का उसको समस्या आएगा ही आएगा। तो शिंग पेन होता क्या है और बॉडी के किस पार्ट में आपको ये दर्द होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। रनिंग करने के पश्चात अगर आपका ये वाला एरिया, खास करके ये वाला एड़ी से जस्ट ऊपर ये वाला पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट शिंग पेन होता है, इसको शिंग पेन कहते हैं। एक्चुअली की शिंग बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ बहुत कॉमन, यहाँ ज़्यादा किसी को दर्द नहीं होता है, दर्द ज़्यादातर काप्स के नीचे और इस साइड पेन पे आता है, शिंग के जस्ट साइड में। तो ये शिंग पेन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो गांठ गांठ सी बन जाती है एक जगह पर और ब्लड का क्लॉटेज भी बन जाता है, जिस वजह से टेम्पोररी एक ही जगह पे परमानेंट एक पॉइंट पे दर्द रहता है उसका। तो हालांकि ये दर्द जो है रेगुलर ट्रेनिंग ही इसका सही समाधान जो है, निरंतर अभ्यास है। अलग अलग YouTube चैनल पर आपको अलग अलग दवाई बता दिया जाएगा, अलग अलग आपको चीज़ें बता दी जाएगी, कैप्सूल बता दिया जाएगा ये खाइए या ऑइंटमेंट बता दिया जाएगा, लेकिन वही हकीकत यही है कि शिंग पेन का कोई इलाज नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ परहेज कर सकते हैं और कुछ प्रोसेस है जो अप्लाई करके आप इसके दर्द को कम कर सकते हैं, ना कि ख़त्म। ये दर्द आपका ख़त्म निरंतर ट्रेनिंग से ही होगा। अगर आप लगातार रनिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये दर्द आपका कम हो जाएगा और फिर कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आपको परहेज क्या क्या करना है, अगर कभी आपको शिंग पेन होता है तो आप रनिंग, फास्ट रनिंग बंद कर दीजिए, फास्ट रनिंग मत कीजिए। रोड पर अगर रनिंग कर रहे हैं आप, कहीं रास्ते पे कंक्रीट वाले रोड पे दौड़ रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। जूता अगर आपका बहुत पुराना या घिसा हुआ जूता है, जिसका सोल घिसा हुआ है, तो अपने जूते को चेंज कर लीजिए। महंगा जूता पहनिए, थोड़ा सा महंगा, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे स्केचर्स कंपनी, एसिक्स कंपनी, रीबॉक हो गया, एडिडास हो गया, ये सारे जैसे जूते कॉस्टली तो होते हैं बट लेकिन शिंग पेन और जॉइंट पेन, घुटने के पेन में काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इन जूतों का जो आर्टिकल है, बेसिकली ये डिज़ाइन इस तरह से किया ही जाता है कि जिससे कि आपको पैर में दर्द कम हो। बड़ी बड़ी कंपनियां उस चीज़ को फोकस करके बनाती है। तो इसलिए अगर आपका जूते में को खरीदने के लिए अगर बजट अच्छा है तो आप स्केचर्स, एसिक्स, रिबॉक या एडिडास, इस तरह की कंपनी का जूता खरीद सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शिंग पेन के बेसिक प्रॉब्लम पे। तो मैंने बताया कि शिंग पेन आपको यहाँ दर्द होता है। अगर आपको अनबेरेबल दर्द है, आप कुछ भी नहीं कर, मतलब कि आप पैदल भी चलने में या जॉगिंग करने में भी दिक्कत आ रहा है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस जगह पे कोई ऑइंटमेंट लगा के, कोई ऑइंटमेंट से मेरा कहने का मतलब है कि मूव, स्पेशली अगर जब भी आप शिंग पेन पे पेन रिलीफ के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो मूव का ये वाला मूव यूज़ कीजिए। मूव भी मार्केट में बहुत तरह के आ गए हैं। तो जो हमारा ये पुराना वाला मूव है, जेली कलर का मूव होता है, पानी कलर का मूव होता है, ये इसलिए यूज़ करने बोला जा रहा है और अन्य को यूज़ करने के लिए से मना किया जा रहा है, क्योंकि इसमें लुब्रिकेंट ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मूव से भी दर्द कम नहीं होगा, दर्द कम होगा इसके द्वारा की गई मालिश से, और ये मालिश में हेल्पफुल है क्योंकि लुब्रिकेंट ज़्यादा है इसमें। तो जो स्लिप कराएंगे, अब यहाँ पर मैंने ये लगाया, आप देख रहे हैं कि ये अच्छे से मैंने यहाँ पर मूव को लगाया है। तो ऐसा नहीं कि मूव को लगा देने से यहाँ का दर्द खत्म हो जाएगा, मूव सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में यहाँ पे काम करेगा कि अब जो मुझे मूव के द्वारा मालिश करनी है यहाँ पे, तो उस मालिश को करने के लिए, जैसे यहाँ पे स्लिप करने के लिए, ये हेल्प करेगा मूव। इसलिए मैंने मूव बताया कि मूव यूज़ कीजिए आप। अब लेकिन यहाँ का मालिश कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब आप किसी को दर्द है, यहाँ जरा सा छूएंगे देखिए दर्द हो रहा है, सिसियाने लगा अपने में। तो लेकिन अब क्या करना है कि इसको कभी उंगलियों से मत कीजिए, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट में उंगली गड़ाएंगे तो और ज़्यादा दर्द होगा। इसको हथेली के पॉइंट से कीजिए, मूव और होगा देना। अब आ जाओ आगे, अब होगा मेन कार्रवाई स्टार्ट। रोना चिल्लाना थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से, बच्चा हमारा रोएगा चिल्लाएगा वो भी आप देखिए। ये देखो यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये लगा दिए। और झूठ उठ कुछ मत बोलना, एकदम हकीकत बताना, अगर दर्द ठीक हुआ हो तो बताना, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, दो चार सब्सक्राइबर चला जाएगा यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सही चीज़ पहुँचना चाहिए लोगों तक, ठीक है। अब क्या है कि मैंने मूव लगा दिया, जरा सा मूव बोल दो बस, ये हथेली वाले पॉइंट से, ताकि पर्टिकुलर पॉइंट पे उंगलियां ना गड़े, उंगलियां गड़ेगी तो दर्द और बढ़ेगा। अब जब हथेली से इसको तेज तेज आप नीचे करोगे तो इसको दर्द होगा।
और यही दर्द आपको बर्दाश्त करना है कि दर्द को घटाने के लिए दर्द को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आप तेज रनिंग करोगे तो भी इसमें दर्द होगा, तो इसको स्लिप कराते कराते दर्द थोड़ा थोड़ा दर्द होगा और यही दर्द धीरे धीरे होते होते कम हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो क्लॉटेज बन जाता है, यहाँ जो पर्टिकुलर पॉइंट पे गीड़ा सा बन जाता है, गांठ सी बन जाती है, तो वो धीरे धीरे आपकी इस प्रेस करने से, स्लिप कराने से धीरे धीरे टूट जाता है और सारी जगह मिल जाता है। तो धीरे धीरे करते करते उसका प्रभाव जो है पर्टिकुलर एग्जैक्ट पॉइंट पे कम होने लगता है और कम होते होते वो खत्म हो जाता है। तो जरूर से जरूर जिसको भी शिंग पेन है वो पर्टिकुलर इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव अच्छे से लगा लें, अच्छी मात्रा में लगा लें ताकि स्लिप कराने में हेल्प हो। बेसिकली मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें मूव ऑइंटमेंट का रोल नहीं है, मूव के द्वारा जो ये मालिश की जा रही जो टेक्निकल तरीका है इसका रोल है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने टेक्निकल तरीके से। रख दो इस पर ये, हाँ यहीं पर तो दर्द होगा, इसी को तो कहते हैं शिंग पेन ये, ठीक है। अब ये मैं उंगलियों का ये वाला पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, पर्टिकुलर पॉइंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये दर्द इसका बर्दाश्त करो, ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये कम होना, अभी थोड़ी देर दर्द रहेगा फिर धीरे धीरे ये कम होना स्टार्ट होगा। रखो इस पर अच्छे से, स्लिप कराने चाहिए, देखिए ताकत काफ़ी लगाया जा रहा है, अभी दर्द हो रहा है ना ताकत लगाने पर, थोड़ी देर में ही ये ताकत लगाने पर दर्द ये हो रहा है। दर्द मुँह दिखाओ इसका जरा सा बढ़िया सा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? असल यहाँ तक कहाँ पे, इसी को शिंग पेन कहते हैं। ये देख हुआ दर्द, लेकिन इसी तरह से करते करते अभी थोड़ी देर में यहाँ का दर्द कम होगा। अब मैं भी पूरी ताकत से कर रहा हूँ ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्लिप कराएं। बस नहीं, बस कैसे, अभी तो स्टार्ट हुआ है कहानी, बर्दाश्त कर थोड़ा सा, मरेगा नहीं क्या, पुलिस में जाएगा नहीं मरता, आदमी गोली लगने के बाद भी दौड़ जाता है पुलिस में और तुम लोग सिंग पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं, पुलिस में नहीं जाता। देखो अब ताकत ज़्यादा लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं बर्दाश्त कर, धीरे 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 ये कम हो जाएगा। बस 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 कोई बात नहीं। अब देखिए अब ये वाला पॉइंट पे इतना, जैसे अब पॉइंट चेंज किया, अब नीचे करेंगे, अब यहाँ दर्द आएगा। इस पॉइंट पे दर्द होगा, अभी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। और 3 मिनट इस पर तेज तेज करेंगे ना अपने आप को। अब और तेज कर रहे सर, आराम 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 से जाएगा नहीं, नहीं अभी थोड़ी देर में ठीक होगा, अब हुआ कुछ कम, हकीकत बताना कम कम हुआ है, क्योंकि ये क्लॉटेज जो नीचे उतरा, देखो अब और जोर जोर से कर रहे हो, उंगली भी गड़ा रहे हैं। आओ आगे आओ आगे आओ, ये देखो ये तरीका है इसको करने का, अब आगे और अब देखो कितना ताकत से कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा ताकत लगा रहे, पहले उछल रहे थे अब नहीं उछल रहे। हुआ कुछ कम? बहुत कम हुआ, हकीकत बताओ। बहुत कम हुआ है, वीडियो में बताओ। दर्द काफ़ी कम हुआ है। कम हुआ ना, ऐसा तो नहीं रिश्वत दे रहे हैं नहीं या फीस कम कर दी, ऐसा है क्या? ओरिजिनलिटी है सही बात, कि जो यहाँ पे आपके पॉइंट में दर्द था एग्जैक्ट, उसको उतारते उतारते ताकत लगाते लगाते नीचे उतार दिए, तो अब आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट का दर्द कम हो गया। तो बेसिक तरीका यही है, लेकिन ये मत समझना कि खत्म हो गया, तेज दौड़ोगे फिर आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे लेकिन जाएगा परमानेंट रनिंग से ही, मालिश से अभी कम हो गया कि आप मेहनत करने लायक हो सकते हो, आप दौड़ सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हो, आप लेके आओ, समझ गए। तो गाइस देखिए कि आपके सामने स्टार्ट किया, इसका 2-3 मिनट कड़े हाथ से मालिश कीजिए, हथेली के द्वारा उतारिए, फिर चेक कीजिए उंगली गड़ा के दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जरा सा भी उंगली गड़ेगा सामने वाले को दर्द होगा। पहले इतना कर रहे थे दर्द हो रहा था, लेकिन अब इतना कर रहे हैं बहुत दर्द नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब कुछ दर्द कम हो गया। तो जिसको भी शिंग पेन होता है, मूव की मालिश द्वारा हथेली का ताकत लगाते हुए नीचे स्लिप कराइए। करते वक्त ये और दर्द बढ़ेगा, लेकिन करने के बाद 5-7 मिनट के बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। ताकत लगाना है इसको। तो गाइस इसी तरह से आप शिंग पेन को अपने ठीक कर सकते हैं। अगर शिंग पेन की वजह से आप अपने ट्रेनिंग को रेगुलर नहीं कर पा रहे, दर्द इतना ज़्यादा अनबेरेबल है, तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कीजिए अपने ऊपर। इससे आपका दर्द कुछ हद तक कम हो जाएगा और आप अपने ट्रेनिंग पर वापस जा पाएंगे। और फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग को लगातार करते करते आप शिंग पेन को परमानेंटली ख़त्म कर पाएंगे। और इस वीडियो में किसी चीज़ को स्पॉन्सर नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने मूव के बारे में बोला तो मूव को स्पॉन्सर कर रही है हमें। हम सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि मूव जो है सपोर्टिव सिस्टम में अच्छा तरह से यूज़ आ सकता है इसमें, क्योंकि लुब्रिकेंट ज़्यादा होता है, मालिश में स्लिप कराने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप मूव का ऐड देखे हों तो मूव लगाने से सिर्फ ठीक नहीं होता है, मूव की मालिश, अगर पुराना ऐड देखिएगा तो मूव की मालिश जो पुराना ऐड आता था हमारा आह से आह तक, तो वही वाला सिस्टम है ये। आप इसे पूरा अच्छे से मालिश कीजिए, मालिश कड़े हाथ से कीजिए, ताकत लगा कीजिए, ताकत लगाते लगाते धीरे धीरे आपका शिंग पेन खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं, कम हो जाएगा, इस लायक हो जाएगा कि आप शिंग पेन की वजह से अपनी ट्रेनिंग को जो रोक रखे हैं वो रुकेंगे नहीं, आप कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा अनमिन इलाज है, अप्लीकेबल है, आपके सामने ऑन वीडियो बंदे से अप्लाई करके दिखाया आपको। अनबेरेबल शिंग पेन था, मालिश के बाद कम हो गया, खत्म नहीं हुआ होगा लेकिन कम हो गया। तो इसी तरह से आप अपने शिंग पेन को कम कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो